जय हिंद राष्ट्र। दो बड़ी महत्वपूर्ण विभूतियों का भारत माता के अनूठी संतानों का कल दिन था, ऋषि दयानंद और सावरकर जी। दोनों का काल भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है, मगर मेरे देखे ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। संसार भर के लोगों की इच्छा रहती है कि ऐसी जगह जहां शस्य श्यामला धरती हो, नदियां हो, भरपूर जल हो, खेती अच्छी होती हो, जलवायु अच्छी हो, न बहुत ठंडी न बहुत गर्म, ऐसी धरती पर बसा जाए जहां किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। हजारों सालों से भारत भूमि ये जो स्वाभाविक देश है, प्राकृतिक देश है, समुद्र और पहाड़ों से घिरा हुआ भूमि, इस पर बसने की तमन्ना सबकी रही है और हमेशा से इस पर लोग आते रहे हैं, मगर कुछ शत्रु भाव से भी आए। उनमें जो पहला प्रमुख आक्रमण है जो सफल हुआ वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का था। राजपूत क्षत्रिय योद्धा जातियां प्रयाण करती हैं, अभियान करती हैं, जीतती हैं धरती को, फिर उसको बसाती हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मगर 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम सफल हुआ, उसके बाद उसने भारत के मंदिर तोड़े, आचार्यों को मारा, मंदिरों में गऊओं की हत्या की। उस काल के चशनामा में उसके लिखे गए खलीफा को पत्र उपलब्ध हैं कि काफिरों के बुतखाने ढा दिए गए हैं, अजाने दी गई हैं। काफिरों के बुतखाने ढाना, बुतखानों में अजान देना, उनको मस्जिदों में तब्दील करना, ये सामान्य विजयी वृत्ति का परिचायक नहीं है। एक विजयी सेनापति ऐसा नहीं करता। उसके बाद गुलाम उनके लोग आए, उन्होंने आक्रमण किए, इसी प्रकार से इस धरती पर नरमेद की हाहाकार मचा। खिलजी आए, चित्तौड़ में साका हुआ, जौहर हुआ। कारण क्या था? एक राजा दूसरे राजा को पराजित कर देगा, उससे टैक्स लेगा, उसकी धरती का कोई भाग ले लेगा, उसको अपने अधीन कर लेगा, मगर स्त्रियां बलिदान क्यों हो जाएंगी? एक मनुष्य को जलकर मरने में 7.5 मिनट का न्यूनतम समय लगता है, यानी जब उसका ब्रेन पिघलने लगे तब तक उसका शरीर लगातार जलेगा। एक छोटी सी सुई चुभ जाए, जरा सा गर्म तवे पर हाथ पड़ जाए, जरा सी आंच हाथ पे आ जाए तो हम तिलमिला उठते हैं। 7.5 मिनट तक लगातार जलना और उसके बाद अपना बलिदान दे देना, ऐसा करने का कारण क्या था? उन्हें भय क्या था कि उनके मृत शरीरों के साथ भी अनाचार होगा? क्यों होगा? इस पर अभी बात करता हूं। लोदी, सिकंदर लोदी इत्यादि, फिर बाबर, जो भाई यहां की जनसंख्या की अधिकता में अपने आप को विलीन होता हुआ देख के जिसने मदरसे शुरू किए, भारत की समस्याओं का प्रमुख कारण तो इस्लाम है मगर उसका टूल मदरसे हैं, ये बाबर लेकर आया था। हुमायूं के समय में हुमायूं तो जरा सा ऐसा था कि उसकी चली नहीं, भगा दिया गया उसको। उसके बाद अकबर आया, अकबर ने दिल्ली के जो अंतिम सम्राट हैं, अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, उन्हें और उनके
पिता, बूढ़े पिता जो 80 वर्ष के थे, उनका गला काट के गाजी की उपाधि धारण की। गाजी यानी क्या? गाजी की उपाधि का मतलब है इस्लाम के लिए जिसने काफिर का गला काटा वो गाजी कहलाता है। उसने गाजी की उपाधि धारण की और उसने एक बार नहीं किया, ऐसा 10 बार किया। इसी तरह का जहांगीर था, ऐसा ही दुष्ट शाहजहां था, और इनमें सबसे जरा कमीना औरंगजेब था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज का बलिदान हुआ, उनको जलते दबे बिठाया गया, उनके सर पर खौलती हुई रेत डाली गई, उनके साथी भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला, इन सब की हत्याएं की गई। बंदा बैरागी को मारा गया, उसके अबोध शिशु का कलेजा फाड़, सीना फाड़ के कलेजा निकाल के उसके मुंह में ठूसा गया। हर प्रकार के अत्याचार किए गए। हकीकत राय की घटना है कि उनको बलिदान दिया गया, उनकी हत्या की गई, उनसे कहा गया कि मुसलमान हो जाओ तो बच जाओगे अन्यथा मार दिए जाओगे। ये काम सदियों, पीढ़ियों, वर्षानुवर्ष हुआ, कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया, पीढ़ियों दर पीढ़ी। और ऐसे लोग हैं जो एक वंश के नहीं है, जो भिन्न क्षेत्रों के हैं, भिन्न देशों के हैं, फिर भी वो ये सब जो काम कर रहे थे उन सब में एक चीज कॉमन थी कि जो भारत के निवासी थे उनके लिए वो घृणा से भरे हुए थे। आज भी ये चीजें हैं, ये जो थूक कर खाना देना है, पानी पिलाना है, उसका कारण यही है कि ये घृणा से भरे हुए लोग हैं। ये तो आक्रमणकारी थे, मगर थूक कर पानी कौन पिलाना है? वही जिसके कुछ पीढ़ी पहले पूर्वज हिंदू थे, यानी वो अपने पूर्वजों की संतति को ही इतनी दूरी से, इतनी घृणा से, इतनी परायपन से देखता है कि उसको अपना नहीं समझता, इस धरती को अपना नहीं समझता। इसका कारण क्या? सदियों ये होता रहा, हम सदियों लड़ते रहे, मगर इसकी छान फटक, इसकी जांच पड़ताल, इसके कारणों के पर शोध करना ये हमने नहीं किया। ये पहली बार जिस महापुरुष ने किया उनका नाम है ऋषि दयानंद, जिन्होंने इस समस्या को कि हमारी समस्या क्या है, हमारे अंदर गड़बड़ क्या है, और आतताई विदेशी मूल के लोग इनकी मानसिकता क्या है, और किस काल में उन्होंने चुनौतियां दी, जब भारत राजाओं के और कुछ अंग्रेजों के अधीन था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का परिणाम यह निकला कि एक ऐसी बुनियाद तैयार हुई, आधारशिला रखी गई जो वज्र जैसी थी। इस आधारशिला पर बड़े बड़े तेजस्वी शास्त्रार्थ महारथी, भजनीक, आर्योपदेशक तैयार हुए और एक पूरी फ्लीट तैयार हो गई। परिणाम यह हुआ कि जब स्वतंत्रता का अंग्रेजों के साथ संघर्ष चल रहा था, अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था जो पेशावर से लेके बर्मा तक, मांडली जेल तक था। सारे जो जेल में लोग बंद थे उसमें इस्लामियों को छोड़कर जितने लोग थे उनमें 92-93% लोग अरब समाजी थे। कांग्रेस के उस काल के जो बड़े नाम हैं वो सारे के सारे अरब समाजी, जो अंग्रेजों ने थोपा था भी कि ये नेहरू गांधी टाइप के लोग, इनकी बात मैं नहीं कर रहा, शेष जितने तेजस्वी लोग हैं वो सारे के सारे आर्य समाजी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि वर्तमान भारत के, आधुनिक भारत के पितामह का नाम ऋषि दयानंद है। अजय, निडर, अडिग, कभी इसकी चिंता नहीं कि सुनने वाला सामने शत्रु भाव से भर सकता है, सदैव बिल्कुल सत्य के पक्ष में निर्भीक वाणी। सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लासिन 14 खंड हैं, 14वां खंड इस समस्या को संबोधित करता है। वो शुरू ही इससे करता है कि कुरान ईश्वर की किताब ही, ईश्वरी वाणी ही नहीं है। इसका जो बीज है कि ये मोहम्मद की फेक आईडी है अल्लाह, और उसने अपने हिसाब से काम किए, इसका इसकी शुरुआत सत्यार्थ प्रकाश से हुई है। 13वां समुल्लास बाइबल के खंडन पर है,
अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों के क्षेत्र में शास्त्रार्थ हो रहे हैं और वो अपने भाषणों में बाइबल के पक्षे उड़ा रहे हैं, सुनने वाले सामने कलेक्टर कमिश्नर बैठे हुए हैं बिल्कुल अड़िग। कारण कि ये जो हजारों साल से चली आ रही ज्ञान धारा है, जो वेद से निस्रत है, उस धारा के आधार पर, सत्य सत्य विवेक के आधार पर बिल्कुल ईमानदाराना बात। श्रद्धानंद जी, पंडित रामचंद्र हेलवी जैसे लौह पुरुष इस महापुरुष के इस ग्रंथ के कारण पद पे उपजे। इस्लामी ये मानते हैं, उस काल में तो विशेष रूप से मानते थे, उनके ये सारे हत्या का कांड करने का, ऐसे भयानक नरपिशाचों जैसी हरकतें करने का कारण ये था कि वो ये मानते थे कि वो सच के पथ पर हैं और बाकी लोग काफिर हैं जो वाजिबुल कत्ल हैं। फिसाद फिल अर्ज उसकी टर्मिनोलॉजी है। फिसाद फिल अर्ज यानी धरती, मट्टी। इस धरती पर निवास करने वाले लोगों को मुसलमान होना चाहिए। ये धरती मुसलमानों के लिए ही अल्लाह ने बनाई है। इस पे जो काफिर हैं, ये पापी हैं, इनको खत्म होना चाहिए। इनको या तो दीन ले कबूल करना चाहिए, इस्लाम में आ जाना चाहिए, अन्यथा इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इनसे जजिया वसूला जाना चाहिए। इस तार्किक एक एक कुढ़ एक बिल्कुल मूढ़ एक बौड़मपन से भरी मगर अंधभक्ति की धारणा, उस धारणा को चुनौती दिए बिना इसका समाधान कैसे होता। इस पुस्तक का निर्माण राष्ट्र को पौरुषवान चिंतन, और इस काम को जब आप दूसरे के किले पर तोपे चलाएंगे, गोले बारूद फेंकेंगे, तो आपको इसका भी तो ध्यान करना पड़ेगा कि आप जिस धरती पर खड़े हैं वो सुदृढ़ है कि नहीं। दलदली धरती पर खड़े होकर थोड़ी फायर किए जाएंगे। तो इसके लिए 1 से 12 जो चैप्टर हैं, समुल्लास हैं, उसमें हिंदुओं के अंदर काल के क्रम में आ गई विकृतियों पर गहन चर्चा हुई। हिंदू समाज के जो बड़े बड़े मठ महंत लोग हैं वो सारे तिलमिला उठे। स्वाभाविक था कि ये तो सबको ठीक लगता है कि शत्रु का ध्वंस हो, मगर अपनी गलतियां भी दिखाई जाएं, इसमें लोगों की रुचि नहीं रहती। इसका परिणाम हुआ सारे जीवन धर्म की राष्ट्र की सेवा करने वाला है महापुरुष, इसको विष दे दिया गया। और कारण क्या था, एक वेश्या के प्रेम में थे राजा, तो उन्होंने कहा कि सिंह शावक कहां कैसे लोगों के साथ है, तो उस वेश्या ने उनको विष दिलवा दिया। फिर भी जिसने विष दिया था उसको उन्होंने धन दिया, कहा तू भाग जा नहीं तो लोग तुझे मार देंगे। अब ये चिंतन, राष्ट्र प्रथम, धर्म प्रथम, व्यक्ति बिल्कुल गौण, इसके लिए कुछ भी बलिदान किया जा सकता है जिस महापुरुष ने सिखाया। उसके बाद मैं आता हूं सिक्के के दूसरे पहलू पर, और उनकी एक बहुत, सावरकर जी की एक बहुत सुंदर कविता जो मुझे वेद मंत्रों की तरह प्रिय है, जय स्तुते सुजन पूजिते सुभगे अधमरक्त रंजिते, सुजन पूजिते सुभगे, तूने श्रेष्ठ संतानें जन्म दी हैं, तेरा पूजन महान लोगों ने किया है। और उसमें मंत्र देते हैं, वही मंत्र जो ऋषि दयानंद ने दिया, अधम रक्त रंजिते, अधमों के रक्त से रंजित है। अधमों का संहार करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प भी नहीं है। ज्ञान मार्ग ये सिखाएगा क्या क्या सही है और क्या गलत है, और जो सही है उसका पक्ष लेने के लिए लोग तैयार करने पड़ेंगे, गलत का भी ध्वंस करना पड़ेगा। गलत वाले अपने आप को मानेंगे नहीं कि वो गलत हैं, तो फिर उनको पेड़ से उल्टा टांगना, नीचे से मिर्च की धुनी देना, ये तो करना पड़ेगा, मानेंगे कैसे।
उस कार्य को सावरकर जी ने किया। राष्ट्र की नई जो श्रेष्ठतम संतानें उत्पन्न की हैं सावरकर और ऋषि दयानंद उनमें हैं। आप कल्पना करें, तीन भाई, एक महाराष्ट्र की जेल में, दो अंडमान में, वर्षों पता ही नहीं है एक भाई को कि दूसरा भाई भी वहीं बंद है। लिखने का कोई साधन नहीं, साहित्य रचा, उसको कंठस्थ किया, जिस तरह से वेद अक्षुण रहे, घनपाठ के माध्यम से वेद को सुरक्षित रखा गया, उस प्रकार से ही कुछ उन्होंने तरीका निकाला और हजारों पंक्तियों के ग्रंथ, हजारों प्रश्नों के ग्रंथ कंठस्थ किए। जेल से छूटने के बाद उन्हें लिखवाया। छोटा सा बालक, मगर राष्ट्र के प्रति उसकी तेजस्विता महर्षियों जैसी। महर्षि दयानंद और महर्षि सावरकर, ये दोनों अद्भुत, ये एक जन्म का काम नहीं हो सकता है। किसी ऋषियों की आत्मा थी जिन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए तेजस्वी कार्य किया। बिल्कुल इस बात से तटस्थ कि मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, संतानों का क्या होगा, और न केवल स्वयं, ऐसे ही अनंत श्रृंखला खड़ी कर दी। ये दिन इन दो महापुरुषों के स्मरण का है, और स्मरण से ये पर्याप्त नहीं है कि उनके बारे में विचार कर लें, हम पढ़ लें, जान लें। बिल्कुल आवश्यक है, ये करना ही चाहिए। ऋषि दयानंद के कार्य के बारे में जानना ही चाहिए। शुद्धियों की अनंत श्रृंखला ऋषि दयानंद ने और उनके बाद के लोगों ने, इसी तरह से शुद्धियों को सावरकर जी ने, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, बढ़ाया, एक तरीका तैयार कर दिया द्रुत गति से शुद्धि का। जो सनातनी परंपरा थी वो तो मानती ही नहीं कि किसी की शुद्धि हो सकती। म्लेच्छ हो गया तो पतित हो गया, अब इसकी शुद्धि नहीं की जा सकती। कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया होता, ऋषि दयान की परंपरा के स्वामी श्रद्धानंद जी वहां गए थे, राजा तैयार थे, मुसलमान तैयार थे, वहां के जो ब्राह्मण थे कुछ वो विरोध में थे कि नहीं, एक बार जो भ्रष्ट हो गया वापस नहीं आ सकता, मूर्खता की पराकाष्ठा। उस काल में समस्या का समाधान हो चुका होता, सारा कश्मीर हिंदू होने को तैयार था, मूर्खों ने होने नहीं दिया। परिणाम, उन्हीं की अपनी संतानें दर दर भटक रही हैं, अपनी धरती छूट गई। इसका जो ज्ञान है, इसका जो चिंतन है, इसकी जो तेजस्विता है, इसकी जो जिज्ञासा है, इसकी जो ललक है, राष्ट्र उत्थान का यज्ञ करना ही पड़ेगा, रचना ही पड़ेगा। इसके जो ऋषि हैं, जो पुरोधा हैं, जो उसके पुरोहित हैं, ये दो ऐसे महापुरुष हैं, इनका श्रेष्ठ स्मरण करते हुए इनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारना कि हम सावरकर बन सकें, हम ऋषि दयानंद बन सकें, उनका शतांश भी बन सकें, सौवा हिस्सा भी हम बन सकें, तो राष्ट्र धन्य हो जाएगा। केवल यही करनी कार्य कि उन्होंने जो दिशा दी, शुद्धियां म्लेच्छों को, दर्शन को आत्मसात करके समझ के उनको समझाना और उनको वापस अपने राष्ट्र में सम्मिलित करना। राष्ट्र शत्रुओं का बढ़ाव, उनकी बढ़वार सह नहीं सकता, समाप्त करना ही पड़ेगा। ये मूल दर्शन, अछूतोद्धार जिसे गांधी ने पकड़ा, स्त्रियों का विधवा, स्त्रियों का विवाह, स्त्रियों का शिक्षा ग्रहण करना, ये सब किसके काम है? ये दो महापुरुष हैं। विदेशी वस्त्रों का त्याग ही किसका काम है? इन दो महापुरुषों का काम है। जो कांग्रेस ने सारे बाद में, यानी गांधी और उनके चेले चांटियों ने जितने भी काम किए, ब्रह्मचर्य के प्रयोग का नहीं कर रहा, वो तो इसी का अड़भंगे का काम था, बाकी ये काम नहीं। बाकी जितने भी काम है, छूतोद्धार है, ये सारे काम इन दो महापुरुषों ने कब किए? 19वीं शताब्दी के लोग हैं और सावरकर 20वीं शताब्दी के
पूर्वार्ध के लोग हैं, कितने बड़े पैमाने पर राष्ट्र के विचारों को हिला दिया। ये तब है जब साधन नहीं थे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, चार घंटे के अंदर 10-20-50 हजार लोगों के बीच में ये बात पहुंच जाएगी। उस काल में चलकर जाना पड़ता था, फिर भी सारे भारत में भटकते रहे। एक ज्योतिपुंज है जो दूसरी ज्योति, दूसरे दिए को ज्योति दे रहा है, उसे जला रहा है। हजारों दीपक जगमगा उठे। इस समय राष्ट्र को ऐसे बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। राष्ट्र अपनी श्रेष्ठ संतानों को आगे बढ़ाए, श्रेष्ठ कार्य में लगे। इसी शुभकामना के साथ इन दो महापुरुषों को मेरे अनंत अशेष प्रणाम। जय हिंदू राष्ट्र। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, मेंबरशिप लें। इसी निवेदन के साथ जय हिंदू राष्ट्र।